तख्त श्री खालसा साहब जी के जथेदार साहब उन्हां वल्लों आदेश होया सी अगे एक दिन कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना चैनल बनाओ। ये बड़े लंबे अरसे की यह मंग भी सी कि श्रोमणी कमेटी का अपना चैनल चाहिए। हुण कल उन्हें हदायत की आ कि सत्तां कु दिनां दे विच तुसीं इह सारा सिस्टम जिहड़ा इह वाइंड अप करो तां कि नवां चैनल शुरू हो जाए। उहदे विच हुण क्योंकि नवां चैनल लैण लई इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री सेंटर के पिछों इजाजत लैनी पैंदी आ, उहदा इक वखरा प्रोसीजर आ। तो असीं हुण जतन करांगे कि जथेदार साहब के आदेश अनुसार उत्थे जिहड़ा यूट्यूब वैबसाइट चैनल जिहड़ा असीं श्रोमणी कमेटी का वो क्योंकि थोड़ा जिहा उहदे विच साडे भी तब्दीलियां भी करनियां पैणियां, भावें साडा सोशल मीडिया पहलां चलदा उहदे विच नवां इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़े कोई कैमरे बड़े क्योंकि अज कल महंगे वो सारे कल बैठ के करांगे फैसला वो सारा। तो जथेदार साहब के आदेश मुताबक जरूर जिन्ना है वो जतन किया जाएगा। पहला यूट्यूब चैनल शुरू करोगे कि जिहड़ा पहला यूट्यूब करांगे वो जिहड़ा दूजा हैगा चलन दा वगैरह वो क्योंकि वह प्रोसीजर ही है एक सैटेलाइट चैनल। हाँ वह क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी वड्डा, दूजी वो मंजूरी इमीडिएटली जरूरी है, फिर वो लसांसा दी फीसां फूसा भर देनी होंदी है। फिर जो प्राइवेट चैनल से चलता वो बंद करता जाऊगा ना? नहीं वो भी चलूगा हाले क्योंकि 23 तक उन्होंने नाल साडा हैगा आ एग्रीमेंट, वो हुण बैठ के देखा कि वो की साडे नाल फिर एडजस्टमेंट करते हैं। देखो हाल की घड़ी तो अभी लाइव ही चलावे, फिर उस तो बाद जल्द कोई साडा परमानेंट सोल्यूशन निकल गया फिर उन्होंने जतन करा भी 24 घंटे भी, क्योंकि ये सारा सिस्टम एक बुकर च लैन की गल आ, तुम तो आप मीडिया के नाल संबंधित हैं तो वह फिर हौली 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 जो वाधा किया जाऊगा। यूट्यूब चैनल हो जाएगा महीने शुरू एक महीने मोस्ट लाइकली, चलो कल बैठ के असी सारा ये करना सलाह मशवरा, मोस्ट लाइकली हफ्ता ना डेढ़ हफ्ता लगेगा, महीने की नहीं गल पहले कर देंगे। तो प्रधान जी जो गरीब सिख परिवार ने उन्होंने श्रोमणी कमेटी वालों की मुफ्त सिक्ख्या का कोई सहूलत है? कई लोग धर्म छड़ के दूजे धर्म जा रहे हैं, दूजे धर्म वाले लोग उन्होंने आर्थिक सहायता मदद कर रहे हैं। पहला तो मैं थानू अर्ज करा तो शायद शायद बजट पढ़िया होगा जी, वो बजट के गरीबों लिए एक विशेष सहायता रखते हैं जी, वो ऐतक भी 3 करोड़ रखी गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਐਤਕੀ 62.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ 20,000-40,000 ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 60,000-80,000 ਦੇ ਦੇਊਗਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬੜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਵੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਪਿਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ? ਉਹ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਾਡੇ DPI ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, 200 ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ 62.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 200 ਬੱਚਾ ਐਤਕੀ 250 ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ 200 ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆਪਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਡਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੇ ਜਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ,
वह दौड़ा जाए चल गए जी चल गए कहते की चल गया वो दौड़ा जाए पिछले दौड़ पाए लोग भी दौड़ पाए दारे बुढ़े बड़े भी दौड़ पाए जो हाफ गए सारे कहते दस अभी चलिया की कहता खोटी जवानी से चल गई मान लो कहण तो दौड़ा सारा पिंड किसी ने कोशिश ही नहीं की भी की चलिया इस करके धर्म परिवर्तन नहीं गा लालच परिवर्तन जिन्हां ने अच्छ डिग्रियां जिहड़ियां ने वो अवेल कीतियां ने वैसे गिनती तो साढ़े को 240 के करीब सी डिग्रियां की बट बहुत सारे बच्चे जिहड़े ने उहदे विचों फॉरन चले गए इस करके वो इस कन्वोकेशन नूं अटेंड नहीं कर सके जी और पढ़ाई दे लई वेज दे विच किस तरह बच्चे ने ये वेज हासिल किया किहड़े-किहड़े विभाग दे विच डिग्रियां साढ़े को सारे जिहड़ियां डिग्रियां सी वो सी BCA BCOM BSc फैशन डिजाइनिंग BA MA MScIT PGDCA और PGDFD का एक डिप्लोमा है वह एक 7-8 कोर्स ने जिंदा डिग्रिया जिंदा ने अच्छे बच्चों को असं दी और कुछ बच्चे इस तरह दिखते जिन्होंने किसी एजुकेशन SGPC वालों दी जाती स्कूल सर साढ़े SGPC के अंडर जोड़े अमृतधारी विद्यार्थी ने उन्होंने अमृतधारी विद्यार्थियों 5,000, 8,000 ते 10,000 5,000 +1 +2 के विद्यार्थी ने जिन्होंने स्कॉलरशिप अमृतधारी विद्यार्थियों को दी जाती है 10,000 जी है वो 8,000 जी है वो BA क्लासिज़ है बैचलर डिग्री से चाहे वह BCA है चाहे BCOM है तो फिर जो 10,000 रुपया है वह मास्टर्स डिग्री जी है उन्होंने दिता जाता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी ने जो नहीं पढ़ाए जाते कॉलेज लैके आओ सर साड़ी कोशिश ये है कि नैक्सट ईयर असी अपलाई एक तो MCOM वास्ते करिए एक स्किल डिवेलपमेंट कोर्सिज़ ने जोड़े एड ऑन कोर्सिज़ यूनिवर्सिटी के उन्होंने वास्ते असी जो सितंबर तक अपलाई करांगे करांगे असी ज़्यादा कोर्सिज जिन्हें भी सानू जोड़े आ दिते यूनिवर्सिटी ने उन्होंने असी डेफिनेटली शुरू करांगे तो लास्ट टू लास्ट ईयर असी UGC का एक किया फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा PG डिप्लोमा तो वो इस साल असी अजे अपलाई किया दोबारा सानू मिलिया नहीं और जो रिजल्ट आया बहुत वधिया रिजल्ट तुहाडा आया वा बच्चों लिए तुसीं की बच्चों के अभिभावक मापिया लिए की संदेश दोगे उन्होंने की देखो जी मेरी तो मापियां नूं यही बेनती है कि एक गर्ल्स इंस्टीट्यूशन होने के कारण साडा इंस्टीट्यूशन बड़ा डिसिप्लिनड है बसिस ते बच्चे आउंदे ने अपने आप भी आउंदे ने बहुत सारी जी गिनती है वो बसिस से आँदी है तो जो 8 बजे बच्चे बैठ जाते हैं बस के जो 4:30 वापस पहुँचते हैं उदों तक बच्चों की जी टेंशन है पेरेंट्स में कोई नहीं होंगी वो साड़ी हौली सौली साड़ी रिस्पोंसिबिलिटी होंगी है ईवन के जोड़े बच्चे आप भी आते हैं उन्होंने बच्चों के नाल भी साढ़े टीचर्स का जोड़ा एक राबता हों कि बच्चा घर जोड़ा है वो पहुँच गया है पहले असी फोन अलाउ नहीं किया बट ड्यूरिंग करोना जोड़ा है सारी पढ़ाई ही थोड़ा पता ऑनलाइन हुई है तो हूँ असी इन्हों फोन जोड़ा अलाउ कर दिता है ताकि वो टीचर्स के नाल बच्चे का राबता जोड़ा कायम रहे